हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं मखाना रायता, जो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, कोई भी इसको झटपट 5 मिनट में बना के तैयार कर सकता है। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। मुँह में घुल जाने वाला ये मखाना रायता बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और 1 कप हम मखाना डालेंगे इसमें और इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें कोई घी और तेल नहीं डालेंगे पैन में, और सूखे इनको हम रोस्ट कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे। और ये 1-1.5 मिनट में बहुत ही क्रिस्प बन के तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखें फ्लेम का, कि फ्लेम यहाँ पर हाई ना करें, नहीं तो जल जाएंगे नीचे से। और इनको लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। कभी भी मखाना रायता बनाना हो तो बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। 5 मिनट के अंदर ये रायता बन के तैयार हो जाता है। एक 1.5 मिनट हो गया है, मखाना अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और 1 कप हमने यहाँ पे दही ले लिया है। ये घर का दही है, घर में जमाया था हमने, और इसको अच्छे से हैंड बीटर से बीट कर लेंगे। जब दही एकदम स्मूथ हो जाएगा, तब तक इसको हम इसी तरह हैंड बीटर से कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे। अगर दही ज़्यादा गाढ़ा हो तभी पानी डालें, अगर दही थोड़ा सा पतला हो तो पानी नहीं डालना पड़ेगा इसमें। और पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, और 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, ये काला नमक है। 1 टीस्पून इसमें हम जलजीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर डालेंगे, 1 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, चाट मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो साइड में बेल लगी है उसको दबाना ना भूलें। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो रही दही में। अब जो हमने मखाना रोस्ट किया था वो भी डाल देंगे इसी में, और 3 से 4 चम्मच इसमें हम अनार के दाने डालेंगे। ये ऑप्शनल है, कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं इसके साथ, अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने अनार लिया है, जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मखाना दही में अच्छे से सोख होंगे तो और फूल जाएंगे और दही और थिक हो जाएगा। अब ऊपर से हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो चलिए इसको करते हैं प्लेट। तो एक बाउल में हमने रायता डाल लिया है, ऊपर से अनार के दाने डाल दिए हैं, कुछ हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया है, ऊपर से चाट मसाला डाल देंगे। रायता बनके रेडी हो गया है। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।